नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश गौड़ और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस हिंदी टैरो। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की के सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। उनकी लव रीडिंग होगी, जो अपने आप को सिंगल्स मानते जो सिंगल्स हैं या अपने आप को किसी भी कारण से सिंगल मानते हैं, तो ये उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 13 मार्च से 20 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सेजिटेरियस हैं उनका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है और उनकी करंट एनर्जी क्या रहेगी, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पुराना पर्सन है तो डील कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए उनकी जो पास्ट की रिसेंट एनर्जी है वो क्या रही है, करंट एनर्जी उनकी क्या है, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, अगर कोई पास्ट का पर्सन डील कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो लग रहा है कि आपने पास्ट में काफ़ी लोगों के साथ फ्लर्ट किया है, घूमे हैं फिरे हैं, आप डेट्स पर गए हैं, मौज मस्ती की है, और आपने उसमें कॉन्सिलेशन किया है, लोगों से मिले हैं, मैसेज किए हैं, चैटिंग की है और कॉल्स की हैं, और हो सकता है कि आप अब भी उनके साथ चैटिंग कर रहे हैं और मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके साथ आप काफ़ी फ्लर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, और आप उन या कह सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी आपने दोस्ती बनाई है, आप दोस्ती का हाथ उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं, और उनके साथ आप एक भी हो सकता है कि आगे जाकर आप उनके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत आपने की है। तो जो पास्ट की एनर्जी आपकी खुशियों काफ़ी खुशी भरी रही है, काफ़ी इसमें रोमांटिक आप रहे हैं, और एक फ्रेंड की तरह एक दोस्त की तरह आपने उनके साथ कॉन्सिलेशन किया है, एक बिगनिंग की है, एक शुरुआत की है, और वो काफ़ी अच्छी रही है। हो सकता है कि आप अब भी उनसे चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और उनके साथ इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म में जाकर कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, तो आपकी जो करंट एनर्जी क्या है, आपको अपने अंदर का डर बाहर निकालने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, जिस चीज़ को आप लेकर घबराए हुए हैं, जब तक आप उस डर से, उस घबराहट से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने अंदर का डर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आपको जिन चीज़ों से डर लग रहा है, जिन चीज़ों से आपको घबराहट हो रही है, उन चीज़ों से आपका सामना करने की ज़रूरत है। आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, और जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक उन चीज़ों का डट कर सामना नहीं करेंगे, जब तक आप घबराते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हिम्मत के साथ, करेज के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपको अपने अंदर का डर बाहर निकालना है, और साहस और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जब आप अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो क्या पता तेरे साथ क्या होगा, और तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप उन चीज़ों से नहीं लड़ेंगे, उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे, तब तक आपको आप में हिम्मत नहीं आ सकती। तो हिम्मत के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपको अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हार पर जीत का कार्ड है। आप काफ़ी सक्सेस होंगे, काफ़ी कामयाब होंगे। जो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है काफ़ी अच्छी दिख रही है, यूनिवर्स जी ब्लेस कर रहे हैं, तो आप इसका इसके साथ चलिए, एनर्जी को बढ़ाइए और इसमें अपना हिम्मत ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अपने एफर्ट्स लगाइए, अपनी एनर्जी डालिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपकी लाइफ में क्या कोई नया पर्सन आ रहा है, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके कोई नया पर्सन आ सकता है। वो जो जो
काफी काफी न्यायप्रिय होगा, उनको न्याय अच्छा लगेगा। तो उनके तो आपको इस समय को अच्छे से यूज करने की जरूरत है, यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, प्यार से मोहब्बत से उनके साथ पेश आएंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी आगे जाकर कामयाब हो सकता है, काफ़ी तरक्की कर सकता है, काफ़ी आपको इसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना कोई चालबाजी के, बिना किसी हेराफेरी के आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि धीरे धीरे करके ये समय आपके फेवर में आ रहा है, ये आपका लक्की पीरियड चल रहा है। तो आपको अच्छे अच्छे कामों में, अच्छे रिश्ते में, अच्छी चीज़ों में, अच्छी जॉब के लिए आपको इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर समय रहते इसको आप यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कामों में लगाते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर आप उससे कोई रिश्ता बनाएंगे तो इन द फ्यूचर जाकर काफ़ी इसमें आप कामयाबी पा सकते हैं। तो ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना कोई चालबाजी के, बिना कोई धोखाधड़ी के आप उनके साथ न्याय कर सकते हैं। ये कर्मास का भी कार्ड है कि जैसे आप कर्म करेंगे, जैसा आप उनके साथ बिहेव करेंगे, वैसा ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और वैसा ही सामने वाले को रिजल्ट मिलेगा। तो ईमानदारी के साथ उनके साथ पेश आइएगा और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिएगा। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपका काफ़ी खुशियाँ ला सकता है, काफ़ी आगे जा सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो क्या पास्ट का पर्सन से आप अगर डील कर रहे थे, तो क्या आपकी लाइफ में पास्ट का पर्सन कोई आ रहा है? तो पास्ट का पर्सन, जी हाँ, अब भी आप पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। वो आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कमिटमेंट करें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। लॉन्ग टर्म में जाकर वो इसमें इस रिश्ते को एक शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक ठहराव लाना चाहते हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो गलतियां पास्ट में हुई थी, वो इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और दोबारा से वो आपके साथ रहना चाहते हैं और इस रिश्ते में आपके साथ खुशियां देखना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे जाकर शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है। तो आप पास्ट और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है और पुराना पर्सन जिसे आप डील कर रहे थे, तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। आप किसे अपनाएंगे, किसे नहीं अपनाएंगे, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। तो दोनों ही आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो द वर्ल्ड, इसका गाइडेंस क्या रहने वाली है? तो आप जो जिस काम को आप बीच में छोड़ देते हैं, जो आपका पेंडिंग काम है, जो आधे अधूरे काम है, या जो रिश्ता अधूरा रह गया है, जिसके बारे में आप बीच में ही अटके हुए हैं, आपको डर रहा, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि ये रिश्ता कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर लेते, पूरा नहीं कर लेते, जब तक इस गोल को, इस सर्कल को आप पूरा नहीं करते, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको अपना ये इस गोल को, इस सर्कल को पूरा करना पड़ेगा और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका कोई रिश्ता, अगर आप इसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी वो ख़त्म भी कर सकते हैं, और अगर नया कुछ चाहते हैं तो नया भी आप इसमें शुरू कर सकते हैं। दोनों ही तरफ से ये आपके लिए सही रहेगा। तो और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई फ़ौरन से भी डील कर रहा हो, कोई फ़ौरन का पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा हो, हो सकता है कि वो आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, या फिर कोई जॉब या बिजनेस या किसी और काम के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको अपना आधे अधूरे काम, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है और पूरा करने की ज़रूरत है। तो आप उसको पूरा करिए और फिर लाइफ में आगे बढ़िए, ताकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सके, आगे प्यार बढ़ सके, मोहब्बत बढ़ सके। ये जो अगर इस आधे अधूरे काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे भी ये चैनल नया नया है, तो आपके प्यार और आशीर्वाद की काफ़ी ज़रूरत है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।